शनाया अपने कमरे में बैठ फोन चला रही थी कि तभी उसकी नजर मर्सिडीज में घूम रही उसकी कजन पर पड़ी और वो कहने लगी, यार इनके मजे हैं, काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जरी कार में घूमने का मौका मिलता। शनाया इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर ऑफिस के लिए जा रहे अहान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, ना जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले अहान से कर दी, और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने उस दिन अपने पापा की बातों में आकर शादी के लिए हाँ भी कर दी। ये सुनकर अहान को बहुत बुरा लगा और वो वहीं खड़ा रहकर कुछ सोचता रहा और फिर तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार बेंज दिखाओ। क्या भाई मजाक कर रहे हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम साइकिल भी इंस्टॉलमेंट पर लोगे। पता भी है दिखती कैसी है बेंज। ये लो मेरा कार्ड और वो कार तुरंत इस पते पर भेज दो। इतना सुनकर उस सेल्समैन के हाव भाव भी बदलने लगे और वो अहान को नजर उठाकर पूरी तरह से एक बार देखता है, और जैसे ही उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर पड़ी, जिसे देखकर वो पूरी तरह पसीने में भीग गया और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, अहान सर, सर आप यहाँ? तो आखिर पहचान ही गई तुम मुझे। हाँ मैं ही हूँ, अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। और इतना कहकर अहान वहाँ से चला जाता है। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई? जाने इन सभी सवालों के जवाब। अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने इसका बेस्ट ऑडियो शो सीक्रेट अमीरजादा।